एमएस वर्ड एप्लीकेशन के अंदर ये जो आपको फ्रंट पेज देखने को मिल रहा है, इस टाइप का फ्रंट पेज कैसे आप आपके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजाइन करोगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट क्लियरली पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आपको सब्सक्राइब और लाइक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आइए आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। इस फ्रंट पेज के अंदर जितने सारे आपको डिजाइन देखने को मिले, सारे डिजाइन आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन के मदद से नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने दो एप्लीकेशन का मदद लिया था एंड दोनों एप्लीकेशन के मदद से इस टाइप का फ्रंट पेज डिजाइन किया हूँ। तो मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, ये वाला लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा एंड आपको कुछ बॉर्डर पेज का सैंपल देखने को मिल जाएगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। आप जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर चूज करना होगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरा पेजेस लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर देखो सारे बॉर्डर पेज का इमेज देखने को मिल रहा है। तो आप एक एक करके सारे बॉर्डर पेज को डाउनलोड कर देना, आप जिस बॉर्डर पेज को डाउनलोड करना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद देखो ये वाला बॉर्डर पेज आ चुका है, ऊपर में यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शंस पे क्लिक करके डाउनलोड करना होगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इस पेज के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो डाउनलोड वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा, देखो मिल रहा है ना। आप जैसे ही डाउनलोड वाला सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको डाउनलोड वाला ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड अगेन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर ओपन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर ओपन बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरह से उस लिंक के अंदर जितने सारे बॉर्डर पेज हैं आप सारे बॉर्डर पेज को डाउनलोड कर लेना, और आप आपके फ्रंट पेज के अंदर जो वाला बॉर्डर पेज देना चाहते हो उस बॉर्डर पेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं दूसरा वाला पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर दूसरा वाला पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला देखने को मिल रहा है, ये PNG के रूप में है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा तो देखो ये वाला मिल रहा है। यहाँ पर आपको चार पाँच टाइप का सैम्पल देखने को मिल रहा है बॉर्डर पेज का, आप सारे बॉर्डर पेज को डाउनलोड कर लेना और आप जो वाला यूज करना चाहते हो आप अपने मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको दो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक है पिक्सेल लैब, दूसरा है एमएस वर्ड। दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लेने के बाद सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब के ऊपर क्लिक करना होगा। पिक्सेल लैब के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम के लिए ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो सबसे पहले आप सारे परमिशन को अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर कैंसिल वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ए वाला 3 डॉट वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 3 डॉट वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेने के बाद सबसे पहले आपको इमेज का साइज चूज करना होगा, तो यहाँ पर इमेज साइज वाला सेक्शन पे क्लिक करूंगा। इमेज साइज वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं साइज अपने हिसाब से डालूंगा, जो प्रिंट आउट का पेपर का पेज का साइज है, मतलब A4 पेपर का साइज का जो पेज है उसी साइज को मैं यहाँ पर डालूंगा। तो उसका साइज क्या है, 210x210 और यहाँ पर डालना होगा 297, ठीक है, मैं डाल देता हूँ 297। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा पेज बिल्कुल A4 में आ चुका है, देखो इस टाइप का A4 साइज का देखने को मिल रहा है। तो अभी इस पेज का मुझे कलर चूज करना होगा, तो इसका कलर पूरा व्हाइट आपको ले लेना होगा। तो व्हाइट कलर लेने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर कलर वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर कलर वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको कलर वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो नीचे बहुत सारे कलर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने व्हाइट कलर देखने को मिल रहा है, तो इस व्हाइट कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दे तो मेरा बिल्कुल व्हाइट कलर का आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। उसके बाद मुझे करना क्या होगा, देखो यहाँ पर मेरे सामने एक प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, आपको भी देखने को मिलेगा, तो आपको ए वाला प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जितने सारे बॉर्डर पेज का मैंने सैंपल दिखाया था, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर गैलरी वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में लेके चला जाएगा और जितने सारे आपने पेज को डाउनलोड किया था सारे पेज यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ये वाला पेज को डाउनलोड किया था, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो बाहर का साइज है उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप भी कर लेना।
इस तरह से क्रॉप कर लेने के बाद देखो यहाँ पर मेरे सामने टिक का बटन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर टिक का बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके खींच के मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा। देखो इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर दे, उसके बाद इस तरह से खींच के मैं ठीक तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपको करने क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा ताकि ये वाला पेज इधर उधर ना हो सके, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे, उसके बाद इस पेज को मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके लॉक कर दिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं मिनिमाइज करके उस पेज में चला जाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे ऊपर में मेरा लिखा हुआ है वेब टेक क्लासेस, ठीक है। तो मैं हेडिंग में वही डालूंगा। आप जिस सब्जेक्ट का फ्रंट पेज बना रहे हो सिंपली उस सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हो। मैं आप लोगों को एक सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा वेब टेक क्लासेस, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वेबटेक क्लासेस देखो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा, तो मैं नॉर्मली क्लिक कर रहा हूँ। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद देखो मेरा हैंड राइटिंग का कलर व्हाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं सबसे पहले उसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं सारे ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। इस तरह से स्क्रॉल कर लेने के बाद देखो यहाँ पर मेरे सामने एक कलर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस कलर वाला सेक्शन पर क्लिक करके मैं इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते देखो कलर यहाँ पर बहुत सारे शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखो ये वाला कलर के ऊपर क्लिक कर दे, अभी शो कर रहा है। और इसका फ्रंट को मुझे चेंज करना है, तो फ्रंट को चेंज करने के लिए फिर से मैं स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद देखो यहाँ पर मुझे फ्रंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद देखो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करके खींच के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो जैसे ही यहाँ से खींच के मैं बड़ा करूँगा तो देखो मेरा एक लाइन में सारे हैंडराइटिंग आ चुका है। उसके बाद इस हैंडराइटिंग का थोड़ा सा डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इस पेज के अंदर थोड़ा सा इस टाइप का डिजाइन किया हुआ है, तो मैं भी वहाँ पर इस टाइप का ही डिजाइन करूँगा। तो डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करते रहना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना होगा, उसके बाद ही आपको ऊपर में इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो मुझे देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है कुछ इस टाइप का डिजाइन का। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो इसको छोटा बड़ा करना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखो जैसे ही बड़ा करूँगा तो इस टाइप का डिजाइन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको भी बड़ा करके डिजाइन लाना है, ठीक है ना। अभी इसको उंगली से पकड़ के ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज को बड़ा कर लेता हूँ। तो साइज को बड़ा करने के लिए देखो यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है साइज का, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड साइज थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बड़ा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेता हूँ कि उस फ्रंट पेज में क्या डाला हुआ है। देखो उसके बाद यहाँ पर मेरा यूनिवर्सिटी का लोगो डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी लोगो डालना है। तो लोगो डालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका कॉलेज का लोगो आप क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर लेना, या कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो तो आप ढूंढ लेना। ढूंढ लेने के बाद सबसे पहले जैसे कि मेरा डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्लस वाला बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्लस वाला बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म गैलरी वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने देखो यहाँ पर ये वाला लोगो देखने को मिल रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला लोगो देखने को मिल रहा है, मैं इस लोगो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये वाला पीएनजी लोगो फ्रंट पेज में आ जाएगा। देखो आ चुका है, अभी मैं इसको छोटा करके ठीक तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये वाला लोगो मेरा मिडिल में है या नहीं है, तो उसको ठीक तरह से मिडिल में एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, तो देखो यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर रिलेटिव पोजिशन वाला सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो अभी मिडिल में आ चुका है, अभी मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर टिक कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ। देखो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेशन 2023-24, ठीक है, तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले कुछ भी लिखने के लिए आपको यहाँ पर ए वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर टेक्स्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखो ऊपर कोने में एक टेक्स्ट बॉर्डर देखने को मिल रहा है, तो आपको इस टेक्स्ट बॉर्डर को उठा के इस तरह से लेके आना है और आपको लिखना है सेशन 2023-24।
2023-24। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो मैं नॉर्मली ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है और देख लेता हूँ कलर कौन सा है। देखो यहाँ पर ग्रीन कलर डाला हुआ है, तो मैं भी वहाँ पर ग्रीन कलर डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका फ्रंट को चेंज करूँगा। देखो यहाँ पर मुझे फ्रंट देखने को मिला है, तो इस फ्रंट वाला सेक्शन पर मुझे क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली इस फ्रंट पर क्लिक करने के बाद ये वाला फ्रंट को चूज कर लेता हूँ। तो आप भी इसी फ्रंट को चूज करना, क्योंकि इस फ्रंट में थोड़ा सा अच्छा देखने को लगता है। तो उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और इसका कलर मैं अभी चेंज करता हूँ। तो कलर देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस कलर वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ से ये वाला कलर को ले लेता हूँ, क्योंकि यही कलर वहाँ पर भी डाला हुआ था। अभी मैं यहाँ पर टिक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो टिक बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इस साइज वाला बटन पर क्लिक करके मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देखो इस तरह से। और यहाँ पर मिडिल में एडजस्ट कर लेता हूँ। मिडिल में अभी है या नहीं है उसको जानने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद रुको एक सेकेंड, ये वाला सेक्शन पर ही क्लिक करके आपको यहाँ पर देखो ये वाला रिलेटिव पोजीशन वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके मिडिल में कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं अभी सब्जेक्ट लिखूंगा। तो फिर से सब्जेक्ट लिखने के लिए मुझे यहाँ पर स्क्रीन एक बार टच करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरे सामने एक टेक्स्ट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो टेक्स्ट वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद लिखूंगा सब्जेक्ट कंप्यूटर। सब्जेक्ट कंप्यूटर, उसके बाद मैं यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करूँगा। ओके बटन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ ठीक से इस तरह से। उसके बाद फिर से इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं कलर वाला सेक्शन पे आ रहा हूँ और देख लेता हूँ कौन सा कलर डाला हुआ है। देखो ये वाला कलर डाला हुआ है, तो यहाँ से मैं वही कलर को ले लेता हूँ। यहाँ से देखो बहुत सारे कलर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर लेने के बाद इसका फ्रंट को चेंज करना है, तो यहाँ पर फ्रंट वाला सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से मैं ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। फ्रंट चेंज हो चुका है। उसके बाद साइज वाला सेक्शन पर क्लिक करके थोड़ा सा साइज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो इस तरह से साइज को बड़ा कर लिया। उसके बाद इसको मिडिल में एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन वाला सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके मैं मिडिल में कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है सबमिटेड बाय, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करना हूँ। यहाँ पर मैं सबमिटेड बाय लिखूँगा, SUBMI सबमिटेड बाय। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। देखो आपको इतना करना है, ठीक है। तो मैंने इतना कर लिया। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि इसको अगर आप सेव करोगे ना तो इसका क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं नॉर्मल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह से। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद इस पेज को मिनिमाइज करूँगा। उसके बाद अभी मैं MS वर्ड को ओपन करूँगा। तो MS वर्ड को ओपन कर लेने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करूँगा। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम के लिए ओपन करोगे तो आपके सामने ऊपर में यहाँ पर प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। तो आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का ब्लैंक पेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो आप इस यहाँ पर क्लिक करके अनसिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरा ऑलरेडी अनसिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको होम बटन पर सबसे पहले क्लिक करना होगा। होम बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर लेआउट वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर मार्जिन्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। मार्जिन्स वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक कस्टम मार्जिन्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद सारे मार्जिन्स को आपको जीरो कर देना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करूँगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से सबको मैं जीरो कर लेता हूँ। देखो हर एक ऑप्शन में मैंने जीरो डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी मेरा मार्जिन बिल्कुल जीरो हो चुका है,
ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी मुझे करना क्या होगा, मैं सबसे पहले इसको मिडिल में कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं स्पेस बटन पे क्लिक करके इस तरह से मिडिल में कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो साइज बड़ा करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपका यहाँ पर होम सिलेक्ट किया हुआ रहेगा और यहाँ पर इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 11 साइज का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप का साइज देखने को मिलेगा हैंड राइटिंग का। तो मैं यहाँ से 36 साइज ले लेता हूँ, देखो 36 जैसे ले लूँगा तो मेरा यहाँ पर बड़ा हो गया। उसके बाद मैं इसका फ्रंट, देखो फ्रंट मेरा एवरा लिखा हुआ है तो यहाँ पर फ्रंट पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना होगा। उसके बाद आपको एक टाइम्स न्यू रोमन वाला फ्रंट देखने को मिल जाएगा, तो आपको टाइम्स न्यू रोमन चूज कर लेना होगा क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड फॉन्ट है। मैं नॉर्मली वही हर एक प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मेरा टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर एक बार जस्ट क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दिया तो मेरा कीबोर्ड निकल के आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर स्पेस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली कर्सर मिडिल में आने लगेगा, देखो इस तरह से, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर होम बटन पे क्लिक करना होगा, होम बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर इंसर्ट वाला बटन पे क्लिक कर लेना होगा। तो मैं नॉर्मली एक बार इंसर्ट बटन पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट बटन पे क्लिक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर शेप्स वाला सेक्शन पे क्लिक कर लेना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर शेप्स वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके जाना होगा इस तरह से। और नीचे की तरफ जैसे ही मैं जाऊँगा तो मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ए वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो ए वाला यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर उंगली से इसको मैं मिडिल में नीचे की तरफ लेके आ सकता हूँ और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और देखो इसका कलर जो है वो कलर ए वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन है, सॉरी कलर नहीं है, आउटलाइनिंग मेरा ए वाला सिलेक्ट किया हुआ है। तो आउटलाइनिंग को मैं ब्लैक ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने ब्लैक ले लेता हूँ, आउटलाइनिंग मेरा ब्लैक हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ए वाला ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद इसका जो पूरा कलर देखो तो ए वाला जो कलर दिया हुआ है तो इस कलर को मैं चेंज करूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से एक कलर को चूज कर लेता हूँ, मैं नॉर्मली इसी कलर को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप का। और अभी मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेके आऊँगा, ठीक है, इस तरह से। मैं सबसे पहले एक बार बैक बटन पर क्लिक करूँगा और देखो मेरा ये पेज इस टाइप का देखने को मिल रहा है, इसको अपने हिसाब से जूम करके एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद आप स्क्रीन पे जैसे टच करोगे तो देखो यहाँ पर अभी ये वाला अनसिलेक्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, जस्ट देखो क्लिक कर दिया तो इसके ऊपर मेरा क्लिक हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, रोल, क्लास, सेशन, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना ही मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले नेम लिखूँगा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं नेम लिख देता हूँ, NAME नेम, देखो लिखा, लेकिन यहाँ पर मेरा राइटिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि व्हाइट कलर का यहाँ पर आ चुका है, तो इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इस राइटिंग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं शेप्स वाला सेक्शन पे क्लिक करूँगा एक बार, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इसका कलर यहाँ पर फॉन्ट कलर देखने को मिल रहा है, तो इस फॉन्ट कलर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इसका कलर को मैं ले लूँगा थोड़ा सा ब्लू टाइप का, ठीक है। देखो मुझे ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं यही कलर को ले लेता हूँ। देखो ये वाला कलर को ले लिया, अभी मेरा नाम यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन इसका फॉन्ट को चेंज करना है, साइज को चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन के ऊपर क्लिक करके टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट को चूज करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसका साइज को चेंज करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसका साइज को ले लेता हूँ 24, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और आपको डबल डॉट देना है, उसके बाद तो डबल डॉट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो देखो ये वाला कलर फिर से मेरा व्हाइट हो चुका है, तो अभी व्हाइट रहने देता हूँ, सबसे पहले काम कर लेता हूँ, उसके बाद इसके कलर को चेंज करूँगा। तो मैंने डबल डॉट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एक बार स्पेस बटन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद डॉट में इस तरह से डालता रहूँगा, ठीक है ना। जितना मुझे डॉट देने की ज़रूरत है मैं उतना डॉट दे देता हूँ, देखो दे दिया। उसके बाद पूरा मैं यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ए वाला बटन पर क्लिक करके मैं इसका कलर को
चेंज कर देता हूँ इस तरह से, समझ रहे ना। देखो मिडिल में एक स्पेस हो चुका था, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से रोटेट दे दिया। उसके बाद मैं एंटर बटन पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद लास्ट में यहाँ पर एंटर बटन पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा नाम ऊपर की तरफ जाएगा, देखो इस तरह से। उसके बाद रोल नंबर लिखा हुआ है तो मैं लिखूँगा ROLL, ठीक है। उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद डॉटेड। उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखना, तो उसके बाद क्लास लिखा हुआ है, उसके बाद सेशन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLASS क्लास डबल डॉट स्पेस डॉटेड। उसके बाद सेशन डबल डॉट स्पेस डॉटेड। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट डबल डॉट स्पेस डॉटेड। देखो इस तरह से मैंने दे दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा डॉटेड को बढ़ा देता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ से मैंने डॉटेड को बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो डॉटेड के यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा और भी डॉटेड ले लेता हूँ इस तरह से। देखो मैंने फुल डॉटेड करके भर दिया, इसी तरह से यहाँ पर भी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी डॉटेड ले लेता हूँ। तो देखो कुछ इस टाइप का मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो देखो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट लिखना कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं साइड में स्क्रीन पर टच करूँगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। देखो साइड में स्क्रीन पर टच किया तो मेरा ये वाला अनसिलेक्ट हो चुका है। तो आपको इतना करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट वाला बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर्स वाला सेक्शन पर क्लिक करके फोटोज वाला सेक्शन पर जाना है। उसके बाद मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया था तो यहाँ पर शो कर रहा है सबसे पहले, तो मैंने इस स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के लिए यहाँ पर देखो क्रॉप वाला टूल देखने को मिल रहा है, तो इस क्रॉप वाला टूल पर क्लिक करना होगा और इसको अच्छे से क्रॉपिंग कर लेना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो मैंने अच्छे से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर लेने के बाद देखो इस तरह से क्रॉपिंग हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर डन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो डन बटन पर क्लिक कर लेने के बाद देखो इस तरह से आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा ये वाला आइकन के ऊपर। तो इस आइकन के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट वाला सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो इस तरह से एडजस्ट हुआ है। अभी मुझे यहाँ पर ये वाला साइड में क्लिक करना है और खींच के मुझे पूरा पेज को ले लेना है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से खींच के लूँगा। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। देखो मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अगर ये वाला यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स डाला हूँ अगर ठीक से एडजस्ट किया हुआ नहीं है तो अभी इसके ऊपर क्लिक करना होगा इस तरह से, और इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना होगा इस तरह से। देखो अभी लगभग ठीक तरह से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप नीचे करना चाहते हो तो आप नीचे भी कर सकते हो, इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह से अगर आप नीचे भी करना चाहते हो तो नीचे भी कर सकते हो। मुझे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर लग रहा है और देखो इस ये वाला फ्रंट पेज के साथ बिल्कुल मैचिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका भी मैचिंग हो रहा है तो आपको अभी करना क्या होगा, आपको अभी यहाँ पर टिक बटन पर क्लिक करना होगा, और टिक बटन पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका बिल्कुल फ्रंट पेज बनके तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर शेयर वाला बटन पर क्लिक करके आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर वाला बटन पर जैसे ही क्लिक कर दो तो मेरा पेज लोडिंग ले रहा है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखो सेंड एक कॉपी वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद PDF वाला सेक्शन पर क्लिक करके आपका एक वर्ड फाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखो उसके बाद मेरा ए वाला वर्ड फाइल PDF में कन्वर्ट हो रहा है।
अभी देखो मेरा वर्ड फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, अभी उस पीडीएफ को मुझे शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शेयरिंग एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी वाला सेक्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कर दूंगा तो मेरा पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है, और देखो इस तरह का मेरा फ्रंट पेज बनकर तैयार हो चुका है। तो आई होप दोस्तों कि आप भी इस टाइप का फ्रंट पेज बहुत ही आसानी से आपके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो के तहत मदद मिल चुकी है एंड आपको इस वीडियो के तहत कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।